हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज कुछ मीठा बनाते हैं। आज आपको इसकी रेसिपी हम बताते हैं। देखिए, मैंने ये दो पैन पानी लिया है, ठीक है। ये देखिए, एक और ये दो। आपको जो भी रेशियो रखना है, जिस हिसाब से बर्तन रखना है, उसके नाप लीजिएगा। ये दो पैन मैंने पानी डाला है, फ्लेम ऑन है मेरी। अब मैं इसमें एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ। मेरी चीनी काफी मोटी है, इसलिए मैंने एक कटोरी डाला है। आप हो सके तो थोड़ी इससे ज्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए इतना मीठा काफी है। अब मैंने देखिए, ये इलायची है। इलायची को मैं पानी में ही डाल दूंगी, क्योंकि पानी में डाल देने से ही खोल जाएगा, तो इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा इलायची का। जैसे लगेगा आपने इलायची एसेंस डाला है। अब देखिए, पानी ये खोल गया है। पानी को अच्छे से खोलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी का कच्चापन खत्म होना जरूरी है। अब ये देखिए, कॉर्नफ्लोर पाउडर है, सिम कर दिया। और अब 4 चम्मच मैं ये कॉर्नफ्लोर पाउडर लूंगी। ये देखिए, टेबल स्पून से 4 चम्मच भर भर के मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर ले रही हूँ। ये देखिए, ये आप मीठा जरूर बनाइएगा, आपके यहाँ सभी को बहुत पसंद आएगा ये। ये देखिए, 4 चम्मच के लमसम मैंने लिया है। आपको कटोरी से नापना हो तो एक कटोरी आप अपना नाप का रख लीजिएगा, उसी से बना लीजिएगा। ये देखिए, मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया। अब मैं इसको 1 से 1.25 चम्मच में लूंगी। इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये 1 चम्मच, और फिर ये थोड़ा सा, आप 1.25 चम्मच मान के चलिए, ठीक है। आप दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसका घोल बनाऊंगी। अभी घोल को मैं अच्छे से फेंट दूंगी, दोनों चीज आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स करना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी और चाहिए। ये देखिए, मैं बस इतना काफी है। और आप देखिए, पानी मेरा अच्छे से खोल गया है। आज मैं खोलते पानी में इसको डालूंगी। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल मिठाई है, घर में सभी को बहुत पसंद आएगा ये। ये देखिए, बस डायरेक्ट डालते ही इसको चलाना बहुत जरूरी है। हाँ, निकलना बहुत जरूरी। देखिए, कच्चापन निकल गया, मैंने पानी को काफी खोलाया है। अभी देखिए, गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होने लग गया, इसलिए इसको आप तुरंत चलाइएगा और चलाते रहना है इसको। फ्लेम मेरा ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, बीच का है, ठीक है। आप इसको चलाते रहिएगा। गरी का बुरादा है, इसको आप डाल लीजिएगा। हो तो बहुत जरूरी है, डाल लीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं है, फिर सादा लगेगा। ऐसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा मिठाई का मेन टेस्ट यही होता है, जब आप खाएंगे बीच में गरी मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें मैं देखिए भी, अच्छा ये देखिए, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट जैसा हो गया एकदम। ये देखिए, हो गया ना। अब इसको मैं थोड़ा पीला करने के लिए, आपको मन हो तो रेड कलर यूज कर लीजिए, मन हो येलो यूज कर लीजिए, जिस कलर की आपको मिठाई बनानी हो वो कलर आप इसमें डाल लीजिएगा। अब देखिए, मैंने ये चिरौंजी डाला है। ये देखिए, चलाते रहना है इसको थोड़ी देर। चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पकड़ लेता है, कढ़ाई में पकड़ लेगा। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। मैंने इसमें येलो कलर डाला है खाने वाला, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। और इसमें मैंने तरबूज की बीज भी डाले हैं, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, उसके लिए सॉरी चाहूंगी। आप ये देखिए, घी डालते हुए चलाते रहना है। घी का मैंने थोड़ा कम यूज किया है, आप थोड़ा और ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा घी लाइक नहीं करते हैं। देखिए कितना अच्छा आ रहा है, देख रही हैं, लग रहा है ऐसे खीर बन गया हो, बहुत बढ़िया आया है, बहुत अच्छा ये मीठा लगेगा आपको। आप बना के देखिए,
कोई खर्च नहीं है इसमें ज्यादा, ना बहुत मेहनत है। 15 मिनट में ये आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी और लोग भी पूछेंगे ये क्या है, ये किस चीज से बनाया है, क्योंकि तो किसी को अंदाज नहीं है कि कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर पाउडर से ऐसा मीठा बन सकता है। ये देखिए आ गया ना, एकदम गाढ़ा हो गया, काफी गाढ़ा हो गया। मैं इसमें अभी एक बार थोड़ा सा घी और डालूंगी, बस। अब मेरे लिए मुझे लगता है ये काफी है, इतना मीठा, इतना सॉरी घी इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा घी डालूंगी तो किनारे किनारे छोड़ देगा और खाने में आपको मुंह पे घी, मुंह में बहुत ज्यादा जमा जमा सा घी लगेगा, खाने में अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं बहुत लिमिट में डाली हूँ। ये देखिए हो गया ना, कितना मस्त आया है, कितना मस्त लग रहा है। ये देखिए एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया ना, देखिए एकदम, देखिए एकदम जेली लग रहा है। ये देखिए अब इसको मैं फ्लेम ऑफ करूंगी। फ्लेम बंद करके मैं इसको, मैंने देखिए पहले से ही इस प्लेट में घी लगा लिया हुआ है, ग्रेसिंग कर लिया हुआ है। अब मैं इसी में इसको पलट दूंगी, देखिए ना, इसी में मैं पलट दूंगी। आप प्लीज जरूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज शेयर करिएगा, एक बार आप बनाएंगी तभी आप जानेंगी कि कैसा लगता है, जब तक आप कोई चीज बनाएंगी नहीं कैसे जानेंगे। ये देखिए तरबूजे का बीज जरूर डालिएगा, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। और अब मैं ये 2 घंटे के लिए रख दूंगी इसको ठंडा होने के लिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जिस आकार में आपको, देखिए इसको मैंने पलट दिया है इसमें, अब इसमें मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को अप्लाई कर दिया है और थोड़े गरी हैं, बादाम हैं, जैसे भी आपको डेकोरेट करना हो इसको कर दीजिए। और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर जिस भी आकार में आपको काटना हो इसको काट लीजिएगा, गोल काटना हो, स्क्वायर में काटना हो,